तो वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस तरीके से खतरनाक दिखने वाले प्रश्न को किस तरीके से बनाया जाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन दिखने में जितना खतरनाक दिख रहा है उतना ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक या दो मार्क्स के लिए जरूर से जरूर पूछे जा सकते। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड को 3π/2 के बराबर हो जाना चाहिए बोला है, जब मैं तीनों के तीनों को जोड़ू। मेरे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आए ना तो वो π/2 से बड़ा हो सकता है ना तो वो -π/2 से छोटा हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स का वो π/2 के बराबर। अब यहां पर देखो बच्चों, ये भी साइन इनवर्स एक्स बोल रहा है, ये साइन इनवर्स वाई बोल रहा है और ये साइन इनवर्स जेड बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू π/2 दे सकता है, ये भी सबसे बड़ा वैल्यू π/2 से दे सकता है, ये भी सबसे बड़ा वैल्यू π/2 दे सकता है, और जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तभी 3π/2 के बराबर आएगा। अगर मैं किसी में का कोई भी एक वैल्यू को π/2 से छोटा कर दूं तो तीनों का जो सम है वो 3π/2 नहीं आने वाला है। तो ये पॉसिबल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब साइन इनवर्स एक्स जो हो वो किसके बराबर हो, π/2 के बराबर हो। साइन इनवर्स y किसके बराबर हो, ये भी π/2 के बराबर हो, और साइन इनवर्स z जो है वो किसके बराबर हो, वो भी π/2 के बराबर। अब देखिए, अगर साइन इनवर्स x π/2 के बराबर है तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन π/2 के बराबर हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 1। तो x की वैल्यू 1 निकल गई, वैसे ही y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे हम लोग x y और z तीनों की जो वैल्यू है वो मेरे को 1 मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर x के जगह पर 1, y के जगह पर 1, z के जगह पर 1 पुट करूंगा, यहां पर भी x के जगह पर 1, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1 पुट करूंगा। चलिए 1 पुट करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 1 का पावर 216 प्लस 1 का पावर 2018 प्लस 1 का पावर 2020 -9/1 का पावर 2016 प्लस 1 का पावर 2018 प्लस 1 का पावर 2020। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने x के जगह पर 1, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 1 का पावर अगर मैं 2016 कर दूं तो भी 1 होगा, 2018 कर दूं तो भी 1 होगा, और 2020 कर दूं तो भी 1 के बराबर होगा। -9 यहाँ पर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इन तीनों को अगर मैं जोड़ू तो ये 3 के बराबर होगा, 9/ इन तीनों को जोड़ू तो भी ये 3 के बराबर होगा। 3 1 जा 3 3 जा 3 -3 जो है बच्चों वो 0 के बराबर हो